आज फूड मेरी इतली आई हुई है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में इतना लग्जरी रेस्टोरेंट दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है लिटिल शेफ रेस्टोरेंट। और आज हम इनकी 150 रुपीस की थाली को टेस्ट करने वाले हैं। जो आसपास के लोग हैं वो काफी ज्यादा दीवाने हैं इनकी थाली के, और यात्रीगण भी काफी दूर दूर से आते हैं इनके खाने को ट्राई करने के लिए। तो चलिए ओनर से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी? थैंक यू, फर्स्ट क्लास जी। तो सुनाओ, सीन ये है कि हमारे पिताजी द्वारा ये चलाया गया था रेस्टोरेंट, तो वो बेसिकली पाकिस्तान से ही थे। पाकिस्तान से आने के बाद उनका अपना मन था कि उन्होंने इसका नाम कश्मीर रेस्टोरेंट रखा। ये पहले ऑमलेट चाय के, ऑमलेट और चाय बना करता था यहाँ पे, और ये अपने आप में बहुत फेमस था। तो उन्होंने बहुत मेहनत से इसको इस्टेब्लिश किया, तो पूरे शहर में जो नाम है वो कश्मीर वाले सरदार जी के नाम से ही मशहूर था। तो हम बड़े हुए, हमने पापा जी के बिजनेस को संभाला, बड़ा किया, तो हमने जवानी में इसका नाम लिटिल शेफ रख दिया। बस वही अपनी एक पढ़ी लिखी जो सोच होती है, फिर उसको चेंज किया। लेकिन ये कश्मीर वाले सरदार जी उस पर भी भारी पड़ गए। लोगों के लिए तो इतना है कि लोगों का, गाज़ियाबाद के लोगों का इतना प्यार है हमारे साथ कि हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत प्यार दिया है यहाँ। नहीं, ऑमलेट तो करीब करीब मान के चलिए 8-10 साल से हम इसको फ्री कर चुके हैं। अब ये 7-8 साल से प्योर वेज ही है। हाँ जी, पहला जीरा डालूंगा, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अमूल का मक्खन, एक इमिज का तड़का, थोड़ा सा हल्दी, दाल अरहर की, ये नमक, धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, ये आपका दाल हो जाएगी। देखिए, जो येलो दाल है वो यहाँ पे तैयार है, और अब ये थाली की फर्स्ट आइटम थाली। तो अभी शाही पनीर की ग्रेवी बनने के लिए जा रही है, तो सबसे पहले ग्रेवी डाल दी शाही पनीर की, और क्या डाल दो सर? ये मसाला है, धनिया पाउडर, चीनी हल्का सा, कोकोनट पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा कलर के लिए देगी मिर्च। प्लस हम काजू मक्खन की ग्रेवी बना के रखते हैं। हाँ जी, 2 पीस ये 150 वाली थाली हो गई। तो ये देखिए, गर्मा गर्म शाही पनीर की ग्रेवी है, वो यहाँ पर तैयार होती है। अब इसमें लगाए जा रहे हैं राइस। तो राइस की क्वालिटी आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, हाफ डन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, आपकी तवा रोटियाँ भी मिलेंगी। अगर आप तवा रोटी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तवा रोटी का भी ऑप्शन है। और ये देखिए, आपकी जो साइड में पैकिंग भी चल रही है, और अगर आप पैक करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पैक भी करवा सकते हैं। अमूल का बटर रखो, न्यूट्रीलाइट तो लगा दोगे? तरीके से जो अमूल का बटर है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये 4 तवा रोटी हमारी यहाँ पे रख गई है, वो भी अमूल का बटर लगा के। तो ये देखिए, जो हमारे जो खाली जगह बची थी अब इसमें रखा जा रहा है सैलेड। तो 2 टमाटर के पीस यहाँ पे रख दिए, और बहुत प्यार से सजा के यहाँ पे सैलेड को रखा जा रहा है। गार्निशिंग हो रही है धनिया से राइस के ऊपर और सैलेड के ऊपर। तो ये देखिए, हमारी 150 वाली थाली यहाँ पे तैयार हो चुकी है लिटिल शेफ रेस्टोरेंट में। तो फाइनली गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास लिटिल शेफ रेस्टोरेंट में, जो की अफोर्डेबल प्राइस में एक लग्जरी रेस्टोरेंट बोलूंगी मैं। सेपरेट फूड लेना चाहते हो, चाइनीज आइटम लेना चाहते हो, कुछ भी वेज में आप एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे फूड मिलेगा, और विद हाई क्वालिटी फूड। आगे सफर में जैसे अगर आप थके आ रहे हो, तवा रोटी लाइट भी रहती है, डाइजेस्ट के लिए बढ़िया रहती है। राइस की क्वालिटी देखिए आपकी कितनी ज्यादा लाजवाब है, खिले राइस है। कि जो मैं टेस्टिंग है वो मैं करती हूँ, तो है उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है, अच्छी तरीके से बटर लगाया है। और भैया, जो इनका शाही पनीर है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा लाजवाब लग रहा है। ग्रेवी देखिए आपकी, दिख के ही कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं चटनी और थोड़ा सा सिरके वाला प्याज। चलिए इस बाइट को हम टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा दाल और राइस भी टेस्ट करते हैं। स्वाद है ना वो इतना ज्यादा गजब है, पनीर का मतलब पता ही नहीं चलेगा कि इतना मलाई की तरह घुल रहा है, बिल्कुल मलाई जैसा पनीर है। और 1000 किलोमीटर का सफर तय करके भी आ रहे हो ना, तो भी आपको ये खाना लाजवाब लगने वाला है। और आप इनका फूड ट्राई करते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनका खाना कैसा लगा। तो सर, आपने फूड ट्राई किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी, टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा। नहीं, दो पनीर के पराठे और वेज मोमोज और पनीर तंदूरी मोमोज, वो तो अच्छे ही थे। एड्रेस अपना है ये 71 रेलवे रोड बजरिया, ये घंटाघर के ठीक सामने बजरिया रोड है ये। उसमें जैसे ही आप एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे 5वीं या 6वीं दुकान है। तो हम सामने हमारा जैन मंदिर है, तो अपने बजरिया रोड है ये रोड आगे स्टेशन की तरफ चली जाती है। तो हाँ, रेलवे स्टेशन मुश्किल से यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। वो यहाँ आके खुद ही मजा लेते हैं, ढूंढते हुए आते हैं कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। टाइमिंग हमारी सुबह मान के चलिए 9:30 बजे हम इसको ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग करने के बाद रात को 10:30 बजे इसको क्लोज करते हैं। हाँ जी, मोबाइल नंबर हमारा है 9891317412। ऑनलाइन हमारा स्विगी, जोमेटो एंड रेल रेस्टोरेंट,
ये भी अवेलेबल है। एक बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं आप इनकी 150 रुपीज की अमेजिंग थाली को फिनिश करूंगी और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।